नमस्कार, आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। देश व दुनिया की तमाम खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा, बने रहिए हमारे साथ। केरल में ग्रामीणों द्वारा फल में पटाखा मिलाकर खिलाने से गर्भवती हथिनी की मौत हुई है, जिसके बाद IPS डीरूपा ने प्रशासन से दोषियों के खिलाफ सजा की मांग की है। सोशल मीडिया पर यह आजकल वीडियो जमकर वायरल हो रहा है और हंगामा मचा रहा है। यह मामला तब प्रकाश में आया जब केरल के निलांबुर के वन अधिकारी मोहन कृष्ण ने सोशल मीडिया पर यह समाचार साझा किया। उन्होंने लिखा कि केरल के जंगल से एक भूखा हाथी भोजन की तलाश में भटककर रिहायशी इलाके मलपुरम गांव में गया था, जहां कुछ शरारती तत्वों ने उसे अनानास के फल में विस्फोटक पटाखा मिलाकर खिला दिया, जिसे खाते ही हाथी के मुंह में विस्फोट हुआ और हाथी का मुंह फट गया, जिससे वह दर्द से परेशान होकर इधर उधर भागने लगी। दर्द से राहत पाने के लिए वह भागकर वेलियर नदी में चली गई, जहां पानी से उसको आराम मिला, जिससे वह घंटों पानी में खड़ी रही और कुछ घंटे बाद उसकी नदी में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि हथिनी गर्भवती थी। नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार। नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार। इस झूठ की नगरी से तोड़ के नाता जा प्यारे उसे सारे। एक जानवर की जान आज इंसानों में ली है। चुप क्यों है संसार,